ताइवान पर चीन और अमेरिका आमने सामने हैं और एशियाई पैसिफिक रीजन में युद्ध की आहट ने दुनिया को डरा कर रख दिया है। क्या अभी के ताजा हालात हैं, इस पर यह रिपोर्ट आप देखिए। पड़ोस में हलचल तेज है क्योंकि ड्रैगन बौखला गया है। लड़ाकू जहाज उड़ान भर रहे हैं। टैंकों की गरज से सड़कें थर्रा रही हैं और इसकी वजह है ये तस्वीरें। यह है अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैंसी पेलोसी। नैंसी पेलोसी जिस जगह पर उतरी हैं, वो ताइवान की राजधानी ताइपे है। पेलोसी के ताइवान की धरती पर कदम रखते ही चीन बौखला गया। पेलोसी के प्लेन के लैंड होते ही चीन की फौज हरकत में आ गई। पहले ड्रैगन की तरफ से धमकी दी गई, फिर थोड़ी देर बाद चीन की सरकारी मीडिया ने मिलिट्री ड्रिल की ये तस्वीरें जारी कर दी। जमीन से लेकर समंदर तक चीन के टैंक्स और जहाज गरजने लगे। इन तस्वीरों के साथ ये नक्शा भी जारी किया गया। चीन ने यह नक्शा खुद जारी किया है जिसमें ताइवान की घेराबंदी का ऐलान किया गया है। मिलिट्री एक्साइज के नाम पर चीन की फौज ने ताइवान को पूरी तरह से घेरने का ऐलान कर दिया है। नक्शे में ये 6 जगह जो आप देख रहे हैं, वहीं पर चीन ने मिलिट्री एक्साइज शुरू करने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इन 6 जगहों की घेराबंदी में से 3 जगहों पर चीन ताइवान के समुद्री बॉर्डर के अंदर युद्धाभ्यास कर रहा है। ताइवान के सवाल पर अमेरिका और ताइवान के अधिकारियों के खतरनाक कदमों के जवाब में संयुक्त सैन्य अभियान एक आवश्यक कदम है। थिएटर कमांड ने संयुक्त नियंत्रण और समुद्री हमले, जमीनी हमले, हवाई नियंत्रण, दूसरी टारगेट एक्सरसाइज में हथियारों की फायरिंग करके आजमाया है ताकि हथियारों और उपकरणों के प्रदर्शन और सैनिकों की संयुक्त युद्ध क्षमताओं का परीक्षण करें और किसी भी संकट का जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। हम दुर्भावनापूर्ण इरादों और ताइवान स्वतंत्रता तत्वों के साथ ताइवान की यात्रा करने वालों को चेतावनी देते हैं कि PLA पूर्वी थिएटर कमांड के पास सभी तरह के उकसावे का मुकाबला करने और राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पूरी तरह से रक्षा करने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, चीन ने अपनी फौज भी उतार दी है। बाकायदा अपनी मूवमेंट का वीडियो भी जारी कर दिया है। ये पूरी हरकत भारत में कोलकाता से 3,300 किलोमीटर की दूरी पर हो रही है। ये नक्शा हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देर सवेर इस टेंशन का सामरिक असर हिंद महासागर के हमारे इलाके पर भी पड़ना तय है। और नक्शे पर दुनिया के जो दूसरे देश आप देख रहे हैं, देर सवेर यहाँ भी मूवमेंट होनी पक्की है। चीन की धमकी का अमेरिका ने भी जोरदार अंदाज में जवाब दिया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि वॉशिंगटन भी हर डेवलपमेंट के लिए तैयार है। We're obviously monitoring her travel as we always do for members of Congress, and we've taken all appropriate measures to ensure the safety of her travel throughout the region. Let me be clear. The speaker's visit is totally consistent with our long-standing One China policy. We've been very clear that nothing has changed about our One China policy, which is guided, of course, by the Taiwan Relations Act, 3 joint US-PRC communiques, and the 6 assurances. We've said that we oppose any unilateral changes to the status quo from either side. We've said we do not support Taiwan independence. And we've said, as I said again yesterday, that we expect cross-strait differences to be resolved by peaceful means. And we have communicated this directly to the PRC at the highest levels, including in last week's call between President Biden and President Xi. ड्रैगन इस बात से बौखला गया है कि अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी भारत में लोकसभा की तरह अमेरिका के निचले सदन के स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवान के दौरे पर हैं। अमेरिका के 24 फाइटर प्लेन की सुरक्षा के बीच
पेलोसी का प्लेन ताइपे के सोंगशान एयरपोर्ट पर उतरा तो ताइवान में जश्न का माहौल बन गया। पेलोसी के स्वागत में जगह जगह साइन बोर्ड लगाए गए, इमारतों पर विशेष रोशनी की गई, वेलकम पेलोसी लिखा गया। ताइवान के लोग नैन्सी पेलोसी के स्वागत में एयरपोर्ट के बाहर जमा हो गए। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों लोग स्वागत के लिए आए। इन तस्वीरों ने ड्रैगन को और चढ़ा दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि नैन्सी पेलोसी के होटल पहुंचते पहुंचते चीन के फाइटर प्लेन ताइवान की सरहद में दाखिल हो गए। चीन के स्टेट मीडिया पर चेतावनी के वीडियो चलने लगे। दुनिया को लग रहा है कि दो महाशक्तियां युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई हैं और नैन्सी पेलोसी का यह दौरा इस युद्ध का ट्रिगर दबा सकता है। और ये लगने की वजह भी है, जिस तेजी से हरकत हुई है उसने युद्ध की आशंका के बादल घने कर दिए हैं। चीन ने धमकी दी है कि हम टारगेटेड मिलिट्री एक्शन जरूर लेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।